जिला अस्पताल में इन दिनों चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी का सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षिका ने भी माना कि जब मरीजों की संख्या अधिक होती है तब चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ का कार्यभार भी बढ़ जाता है, जिसके कारण मरीज और स्टाफ के बीच तकरार भी हो जाती है। प्रयास किए जा रहे हैं कि सीमित संसाधनों के बीच मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज सुविधा मुहैया कराई जा सके। जिला अस्पताल में इन दिनों चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी का सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। जिला अस्पताल की प्रमुख अधीक्षिका ने भी माना, जब मरीजों की संख्या अधिक होती है तब चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ को कार्यभार बढ़ जाता है, जिस कारण मरीज और स्टाफ के बीच तकरार भी होती है। प्रयास किया जा रहा है कि सीमित संसाधनों के बीच मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। हाँ, बीच में मैडम जो जिनसे हम सेवाएं ले रहे हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ की, चूँकि हमारे पास अपने कोई डॉक्टर नहीं है, तो ये CMO ऑफिस से हमें मिली हुई है। ये वैक्सीनेशन का कार्य देखती हैं मैडम डॉक्टर जो हैं। हमारे कोई चिकित्सक नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ की कोई पोस्ट नहीं है, और उन्होंने उनको मीटिंग में जाना था तो वो थोड़ा देर के लिए मीटिंग में थी, तो मरीजों ने हंगामा कर दिया। या ये समझने की ज़रूरत है कि हम तो उन्हें सुविधाएँ दे रहे हैं, किसी तरह काम चला रहे हैं, दूसरों से CMO साहब से रिक्वेस्ट करके उनके चिकित्सक से सेवाएं लेके, हमारे अपना कोई चिकित्सक नहीं है, तो ये तो हमें दिक्कत आती है सेवाएं लेने में, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सैंक्शन पोस्ट नहीं है यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ की। क्या महिला से आपकी कोई मुलाकात हुई थी, बात हुई थी? नहीं, महिला हमारी कोई बात नहीं हुई। हमें पता लगा कि हमारे कमरे के बाहर कुछ महिलाएं आई हैं, ये तकलीफ है, हमारे से किसी ने कुछ नहीं कहा। जिला अस्पताल में मंगलवार को एक मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला अपनी बेटी को इलाज न मिल पाने से काफी परेशान दिखी। इलाज न मिलने पर महिला ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। आनन फानन में जब मामले की सूचना प्रमुख अधीक्षिका डॉक्टर अनीता शर्मा पर पहुंची, तब उन्होंने मामले में हस्तक्षेप कर मामले को खत्म कराया। नहीं, वो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास CMO से स्त्री रोग विशेषज्ञ जो वैक्सीनेशन का कार्य देख रही हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करके सेवाएं ले लेते हैं, लेकिन हमारा कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए हम गारंटी से नहीं कह सकते कि हम सेवाएं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स वो तो समय समय पर जाती रहती है और अभी भी जा रही है। सारी जो हमारी कितनी सैंक्शन पोस्ट है, कितने कार्य कर रहे हैं, कितनी कमी है, ये अक्सर जाता रहता है। आप हम समझिए कि डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट करीब 60 डॉक्टर्स की होना चाहिए और करीब 40 कार्य कर रहे हैं हमारे पास। जिला अस्पताल की प्रमुख अधीक्षिका डॉक्टर अनीता शर्मा का कहना है कि जिला अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ की कोई पोस्ट नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसमें उन्हें एक चिकित्सक उपलब्ध कराया गया है, लेकिन कई बार उन्हें चिकित्सकों की कमी के चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला अस्पताल में 60 से सापेक्ष में महज 40 ही डॉक्टर उपलब्ध हैं। हालांकि नर्सिंग स्टाफ की भी कमी है, लेकिन आउटसोर्स के माध्यम से काम चल जाता है। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।